हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त टैग स्टडी से फिर से लेके आया हूँ एक नया टॉपिक इंजीनियरिंग की भाषा। हाँ भाई, जिसे हम लोग प्यार से ईडी कहते हैं और संक्षेप में इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये ईडी का फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम जानेंगे सिर्फ इसके बारे में, इसका विकास कैसे हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा, ये कैसे आया, ये हमारे इतिहास से कैसे चली आ रही है, इसे इतनी इम्पोर्टेंस इतनी महत्वता आखिर कैसे मिली, और ये अभी भी अभी और अपनी पोजीशन पर कैसे है, और इसे अपनी इतनी महत्वता कैसे मिली, और इसके अंदर जितना विकास हुआ क्या क्या विकास हुआ और किन किन चीज़ों पर इसका विकास जाता है, तो इसमें बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास, मतलब हमारे किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है। भाई, किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। भाई, आर्थिक विकास क्या होता है? उसकी जीडीपी में बढ़ोतरी हुआ, देश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और वह भैया किस पर डिपेंड करेगा? उसके औद्योगिक विकास पे। औद्योगिक मतलब क्या होता है? भाई, हमारे इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, मतलब इंडस्ट्रीज हैं, इस लेवल के काम की बात कर रहा है। और औद्योगिक विकास निर्भर किस पर करता है? निर्मित पुर्जों की परिशुद्धता पर। आप बस सुनते जाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, शायद कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। तो निर्मित पुर्जों की परिशुद्धता पर, निर्मित पुर्जों की परिशुद्धता। भाई, हमारे पुर्जे पार्ट्स कहाँ बनते हैं? उद्योग में बनते हैं, उद्योग इंडस्ट्री फैक्ट्री में बनते हैं। और वहाँ पे भाई हमारा औद्योगिक विकास कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारा आउट ऑफ मतलब एक्सपोज होगा, यहाँ से विदेश जाएगा, बेचेगा अच्छे दामों पे। उसकी क्वालिटी में भी बढ़ोतरी कैसे होगी? उसकी परिशुद्धता, उसका शेप, उसका आकार में बिल्कुल परिशुद्धता, बिल्कुल महीन से महीन भी एरर एरर यानी मिस्टेक ना हो, तभी तो लोग पसंद करेंगे। और वह किस पर निर्भर करेगा? ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? और लगे हाथ इसकी इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को अपनी भाषा कैसे बताएगा? कोई पेंटिंग बना करके, कोई एक मैप बना करके उसे पोस्ट कर देगा या सेंड कर देगा, उसे दे देगा, तो दूसरा इंजीनियर क्या उसे समझ लेगा। इसी वजह से इसे इंजीनियर की भाषा कहते हैं। या एक और शब्द में ये कहें कि 1,000 शब्दों का मूल रूप इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। भाई, 1,000 शब्दों का मूल रूप, जैसे आप कम से कम 1,000 शब्दों में किसी बात को लिख करके उसे समझाओगे, तो कोई इंजीनियर एक पेंट बनाएगा, एक पेंटिंग बनाएगा, उसमें एक घर का मैप बना देगा, और सारे मतलब 1,000 वर्ड के समान बना देगा। और जहाँ की आप क्या करोगे उस जगह पे, आप वही चीज़ उसे समझाने के लिए 1,000 वर्डों में एक ऐसे तैयार कर दोगे। और एक इंजीनियर क्या, एक छोटी सी किसी चीज़ का मैप बना के आपको दे देगा, बस आप समझ लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं अभियांत्रिकी आरेख के माध्यम। भाई, कौन कौन से माध्यम है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के कौन कौन से माध्यम होते हैं? पहला माध्यम साइन या सिंबल्स। साइन जैसे सेंटीमीटर, मतलब ये भी एक साइन होता है, सेंटीमीटर का साइन CM शॉर्ट में लिखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड का साइन IS लिखते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड को BS शॉर्ट में लिखते हैं, कास्ट स्टील को CS लिखते हैं, पैरेलल को ये साइन होता है, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, स्ट्रेट नेस मतलब स्ट्रेट लाइन का ये साइन होता है। ये तो सिंबल्स हो गए कुछ। इंजीनियर लोग क्या है, अपनी ड्राइंग को या तो सिंबल्स में या डायग्राम, दो ही तरीके से डिफाइन करते हैं। सिंबल्स कुछ ये हो गए आपके, एंड डायग्राम जैसे
कोई एक डायग्राम बना दिया, उसके ऊपर जैसे सिंबल्स, जैसे टी लिख दिया, ये भी सिंबल्स हो गया, यहाँ पे डायमेंशन को दर्शा दिया, वो भी सिंबल्स हो गया। कुल मिलाकर के अभियांत्रिकी आरेख के माध्यम सिर्फ दो ही माध्यम होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के दो ही माध्यम होते हैं। कुछ और सिंबल्स की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में आते हैं, पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ ना। जैसे सेंट्रल लाइन को CL लिखते हैं, चेक्ड, भाई चेक्ड जैसे कोई भी लाइंस, कोई भी चीज़, कोई भी डायग्राम बिल्कुल चेक्ड है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक्ड। CHH D लिखते हैं, पिच सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल की पिच को PC लिखते हैं, रिवेट, रिवेट जानते हो ना आप, जैसे स्टील के बर्तनों में, बाल्टियों में, लोहे की बाल्टी देखी होगी आपने, उसके इस कॉर्नर में रिवेट। RVT लिखते हैं, अनेस्ट एनलिंग, नेस्ट है आपका एंगुलरिटी, एंगुलर किसी भी एंगल को डिफाइन करने के लिए सैन होता है। अब पोजीशन, अनेक्स्ट पोजीशन, भाई आप तो गेम तो खेल ही होंगे, भाई गेम में सैन तो देखा ही होगा, आपने पबजी तो देखा ही होगा भाई, तो साइन तो दिख रहा है, पोजीशन ये साइन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल यूजिंग हैचिंग, हैचिंग हैचिंग, समझ रहे हो ना, पर इस समझो लाइन में क्या लिखा है, क्या है, क्या चीज़ है, हैचिंग क्या है, मतलब ये हैचिंग क्या है। देखो ये कह रहा है कि किसी भी मटेरियल को, लोहा हुआ, ग्लास हुआ, पानी हुआ, ग्रीस हुआ, ऑयल हुआ, इस सभी मटेरियल को हम कैसे मतलब दर्शाएंगे, हैचिंग के द्वारा। हैचिंग क्या, किसी भी लाइन, लाइन्स दिख रही है ना आपको, लाइन्स, ये लाइन्स के द्वारा दर्शाते हैं ना किसी भी चीज़ को, उसे हैचिंग कहते हैं। तो आप क्या है, कुल मिला के बस सुनते जाइए, मेटल देखो, मेटल्स जैसे हमारा स्टील हुआ, कास्ट आयरन हुआ, कॉपर हुआ, और इट्स अलॉय, भाई कॉपर के अलॉय होते हैं ना, उन सभी को इस डायग्राम से आप सी नॉर्मली आया तो ना होगे, और बीच में हैचिंग, ये हैचिंग साइंस होती है। जैसे आपने सपोज करो किसी भी एक जौ को बीच में से काटा, और काट करके किसी भी चीज़ को अंदर से दिखाया जाता है ना कि भाई ये अंदर वाला पार्ट है, तो इस तरह से लाइन की जाती है, ये हैचिंग, उसे हैचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हैचिंग लाइंस जो तिरछी लाइन होती हैं, या 75 डिग्री पे झुकी होती हैं, या 45 डिग्री पे झुकी होती हैं, उन सभी को हैचिंग लाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका जैसे और भी मटेरियल हुआ, लेड हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, वाइट मेटल, जितने वाइट मेटल्स होते हैं उन सभी को डबल हैचिंग लाइन में डोनोट करते हैं। उसके बाद गिलास, गिलास को कुछ इस प्रकार से आपने देखा ही होगा, कार्टून तो देखते ही होंगे भाई, कार्टून में भी आपको किसी भी गिलास को इस तरह से शाइनिंग मारता हुआ, ये शाइनिंग, शाइनिंग पॉइंट है, गिलास को इस शाइनिंग पॉइंट की तरह से लिक्विड को डेड 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 डेस, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, जितने भी लिक्विड होते हैं सभी लिक्विड को इसी प्रकार से। आगे देख लेते हैं वुड, बहुत अच्छे से जानते हो आप, लकड़ी को कुछ इस डायग्राम से, जो आपने अच्छे से देखा होगा भाई, लकड़ी को, पॉलीवुड को, मतलब जितने भी लकड़ी के आइटम्स होते हैं ना सभी को, या लकड़ी के डिजाइन भी कह लो, उन सभी को भी सिर्फ इसी डायग्राम से डिनोट करते हैं। आगे पैकिंग्स एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, पैकिंग्स इंसुलेशन, भाई आपने कभी कभी किसी की शादी में गिफ्ट देने गए होंगे, आपने किसी गिफ्ट को पैक कराया होगा, पैक कराया होगा, या इंडस्ट्रीज में मटेरियल क्या होता है, पहले पैक होता है, पैकिंग की जाती है, या आप कपड़े को शोरूम गए होंगे, कपड़े भी आपके पैकिंग्स होते हैं, या बॉक्स भी पैक्स होते हैं, तो बॉक्स पैक्स होते हैं, तो पैक्स होने के बाद वो बॉक्स में साइनिंग कुछ इस तरीके से रहती है। तो जितनी भी चीज़ होती हैं जिन्हें पैक किया जाता है, पैक किया जाता है, उन सभी पैकिंग्स को इस डायग्राम, बस याद रख, आप बस एक बार नज़र मारते जाइए कि इन डायग्राम से देखा जाता है, इस तरीके से देखा जाता है। आगे जैसे फाइबर बॉक्स हुआ, इंसुलेटिंग हुआ, फिलिंग मटेरियल हुआ, उन सभी को इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका भाई कंक्रीट, भाई कंक्रीट क्या होता है पहले समझो, कंक्रीट सीमेंट, गिट्टी, इन सभी को मिक्स करके जैसे हम पिलर बनाने के लिए एक मटेरियल एक बनाते हैं ना, एक घोल बनाते हैं ना, उसे कंक्रीट बोलते हैं,
सुखाने के बाद उसका कुछ लुक, भाई इसे तो मैं बताऊँ ना तो भी समझ जाओगे, कंक्रीट का मतलब शेप कुछ ऐसे ही दिखता है। अंदर से आप देखोगे, कहीं भी देखोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा, बस याद रखो आप कंक्रीट ऐसे। ये लेमिनेशन, भाई किसी भी चीज़ पे लेमिनेशन कराओगे आप, ये बस याद रखो लेमिनेशन को इस डायग्राम से, यही है उसका। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका सेक्शन। भी सेक्शन क्या होता है समझ लो एक बार पहले, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन होता क्या है। सेक्शन किसी भी पाइप को, किसी भी जॉब को, किसी रेक्टेंगल को, किसी होलो पाइप को, किसी को भी आप बीच में से ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करोगे तो आपको जो ब्रेक पार्ट सामने से देखने पर दिखेगा, तो एक कैसे दिखेगा, जैसे आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपने काटा बीच से ब्रेक किया, तो बीच से ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है हमें, भाई अंदर वाला पार्ट दिख रहा है कि अंदर वाला, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है अंदर वाला पार्ट, और ये लाइंस क्या है, हैचिंग। अभी मैंने पहले बताया था, समझो ये हैचिंग साइन है, हैचिंग के जरिए से इसका अंदर वाला पार्ट दिख रहा है और ये इसका साइड व्यू हो गया। तो रेक्टेंगुलर को इस तरीके से दिखता है, साइड व्यू ये होता है, एंड राउंड सेक्शन भाई गोल पाइप होता है, पूरा रॉड ले लो मोटी वाली, उसे काटोगे वो कुछ ऐसे दिखेगा, दो पार्टों में अंदर वाला भाग ऐसे ही दिखेगा, और ये साइड भी हो गया, बिल्कुल गोल दिखेगा, पॉइंटेबल दिखेगा। और पाइप और ट्यूब, पाइप होलो पाइप की बात कर रहा है यहाँ पे, पाइप और ट्यूब, पाइप को आप काटोगे तो वो कुछ ऐसे ही दिखेगा, और होलो है साइड व्यू, खोखला दिखेगा, आर पार दिखेगा। और उसके बाद चैनल सेक्शन, भाई अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, बीटेक स्टूडेंट हो, तो आप भली भांति जानते होंगे चैनल सेक्शन किसे, नदी नाली नाले सभी को चैनल्स बोलते हैं, ये नाली जैसा आकार है, भाई मिडिल क्लास लोग हैं नाली तो जानते ही होंगे। तो चैनल्स इस तरह का लोहे की कोई रॉड होती है चैनल टाइप की, उसके बीच में ब्रेक करेंगे तो आपका अंदरूनी भाग है जो हैचिंग के रूप में कुछ ऐसा दिखेगा आपका, यहाँ पे लाइंस नहीं है, पूरा डार्क कर दिया है, लेकिन हैचिंग ही होती हैं, उस साइड व्यू ये रहेगा। एंड रोलेट सेक्शन ये आई आकार का, आपने शायद ट्रेन लाइन पर जो पटरियाँ देखी होंगी, पटरियों का आकार कुछ ऐसे होता है, उसे बीच में ब्रेक करेंगे तो ऐसे दिखेगा। मतलब कुल मिला के हमने यहाँ पे बात की है सेक्शन की, सेक्शन कि भाई सेक्शन इन सभी पार्टों के सेक्शन। तो यहाँ पे आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर, आपका ईडी का फर्स्ट चैप्टर, आईटीआई जो सभी ट्रेड के, मैं सभी ट्रेड का स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड के ईडी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही बने रहिए, बस सुनते रहिए, आप नोट्स मत बनाइए। अगर आपको हमारे बनाए हुए नोट्स चाहिए, हैंडवर्क नोट्स चाहिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वो फिर कभी बताएंगे। थैंक यू।